Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने आज मुझे ये मौका दिया है कि आज मैं परमेश्वर के वचनों से संगति कर पाऊँ। मैं परमेश्वर के वचनों को बांट सकूँ, मैं परमेश्वर की आराधना कर सकूँ। और सच में हम सभी कोई बहुत आशीषित हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है और हमें नियुक्त किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज सारी आशीषों के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर का कि आज हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं, आज हम जिंदा हैं, और आज हम अपने अपने घरों में ही क्यों ना हो, लेकिन आज हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जब हम इस लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं तो हम सभी कोई परमेश्वर की उपस्थिति में हम बहुत गंभीरता से और बहुत आनंद के साथ हम बैठे, ताकि आज जो परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा बातचीत करना चाहता है उन सभी बातों से हम परमेश्वर की महिमा को करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। मैं ब्रदर आशीष का परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ ब्रदर आशीष के लिए कि उनके द्वारा परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस पेज पर आके प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के पेज पर आके परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकूं और उसके नाम को मैं ऊंचा कर सकूं। आइए हम सभी कोई आराधना में जाएंगे और स्तुति करते हुए, महिमा करते हुए, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके फाटकों में और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए आओ। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम जब परमेश्वर की आराधना में जब हम जाते हैं तो आइए स्तुति और आराधना के साथ हम परमेश्वर को ये स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाएं। और ये शाम का वक्त जब होता है तो कहते परमेश्वर जो ये संध्या काल का जो बलिदान है जब हम परमेश्वर को देते हैं तो ये परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है। आइए सबसे अच्छी स्तुति और सबसे अच्छी आराधना इस शाम हम परमेश्वर को देने वाले हो सके। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। Thank you.
परमेश्वर को यही कहना चाहते हैं, परमेश्वर हम तेरे करीब आना चाहते हैं, हम तुझे और जानना चाहते हैं प्रभु। प्रभु आमीन, तू ग्रहण कर परमेश्वर, और प्रभु हम तुझे इतना जाने परमेश्वर कि हम तेरे करीब रहने वाले हो सके प्रभु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर, क्योंकि तू ही आदर के योग्य है, तू ही स्तुति के योग्य है, और सिर्फ तू ही महिमा के योग्य है, सिर्फ तू ही पवित्र है। जैसे हम पृथ्वी पे कहते हैं परमेश्वर कि तू पवित्र है, लाखों करोड़ों स्वर्ग दूत भी स्वर्ग में सिर्फ एक ही बात को कहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। और प्रभु सिर्फ तू ही पवित्र है प्रभु, सारे जहां में तुझसा कोई परमेश्वर नहीं है, सारे जहां में तेरे जैसा कोई नहीं है, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया कि तूने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तेरे प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु आज के इस समय को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा, मैं तुझसे अगुवाई को मांगती हूँ, सारा नियंत्रण सारा कंट्रोल परमेश्वर हम सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में देते हैं। बोलने वाली मैं नहीं परंतु बोलने वाले प्रभु आप हो, और जो कुछ भी आज आप मुझसे और सुनने वाले जितने भाई बहनों
से प्रभु आप जो बात करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ वही वचन मेरे मुंह से निकले। मैं ना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करूं ना ही अपनी किसी ज्ञान का प्रभु, लेकिन तेरी आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु मैं आपके बच्चों के बीच परमेश्वर वचन को बांट सकूं, जिससे हम सभी कोई आशीषित होने पाए। प्रभु आपकी प्रेजेंस को अपने बीच में आपके बीच में मांगती हूँ प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। सारा आदर सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको मिले। इस प्रार्थना को मैं जीवित महान सामर्थी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि आज परमेश्वर के जीवित वचनों को मैं आपके बीच में बांट सकूं। और सच में जब भी ऐसा वक्त होता है मुझे बहुत घबराहट भी होती है और बहुत अच्छा भी लगता है। वो इसलिए कि परमेश्वर का वचन हम सभी के लिए है और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करे। और आज मैं परमेश्वर के वचन से आपके बीच में कुछ बातों को मैं बांटना चाहती हूँ। और जैसे कि मेरा टॉपिक है आज का कि हमें अपना कार्य पूरा करना है। मेरा आज का शीर्षक है कार्य पूरा करें और पुरस्कार पाएं। प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत अच्छा विषय। जब भी किसी पुरस्कार की बात होती है, जब किसी अवार्ड की बात होती है, जब किसी रिवॉर्ड की बात होती है, जब प्राइस की बात होती है, तो कौन नहीं खुश होता है। आप में से भी जितने जन मुझे देख रहे हैं, अगर हम सभी को बोला जाए कि आपको प्राइस मिलेगा, आपको इनाम मिलेगा, तो हम कितने खुश हो जाते हैं। वो इसलिए कि हम सभी को कुछ ना कुछ हम पाना चाहते हैं, लेकिन प्राइज आपको तभी मिलता है जब आपने किसी कार्य को पूरा किया होता है। चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता को लीजिए, चाहे आप किसी भी जब किसी को कोई उपलब्धि के रूप में सम्मान दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, तो उसने कुछ ना कुछ ऐसे काम किए होते हैं, सराहनीय काम किए होते हैं, अच्छे काम किए होते हैं, इसीलिए उनको प्राइज और उनको इनाम मिलता है। लेकिन आज हम सभी को भी परमेश्वर ऐसे ही पुरस्कार को देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। और हम में से हर एक जन पुरस्कार पाना चाहता है। हालेलुया। और लेकिन वो पुरस्कार हम कैसे पाए? क्या हमें कुछ करना है पुरस्कार को पाने के लिए? निश्चय हमें कुछ ना कुछ करना है। और प्रभु ने हमें परमेश्वर ने कहा कि तुम बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। लेकिन परमेश्वर उन चुने हुए लोगों के द्वारा कार्य करना चाहता है और कुछ कार्य परमेश्वर ने हमें सौंपा है। इस पृथ्वी पे परमेश्वर ने हमें कार्य सौंपा है और हमें कार्य पूरा करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमें परमेश्वर की ओर से हमें कोई प्रतिफल मिले, तो हमें कुछ कार्य को करना है। वो कार्य क्या है? आइए हम परमेश्वर के वचनों से देखेंगे और हम परमेश्वर के वचन से निकाल लेंगे दूसरा तिमुथियुस उसका चौथा अध्याय और उसकी हम 8 पद को हम देखेंगे, जहां पर लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम सभी को जानते हैं कि ये पौलुस प्रेरित उस व्यक्ति को लिख रहा है जिसका नाम है तिमुथियुस। आप सभी को जानते हैं कि तिमुथियुस जो एक युवा एक लड़का था और पौलुस ने उसको बहुत अच्छी शिक्षा दी थी। हम यहाँ देखते हैं जब हम पहले तिमुथियुस से पढ़ते हैं तो 2 तिमुथियुस की पत्री है जिनमें पौलुस इस तिमुथियुस को शिक्षा दे रहा है और ये शिक्षा की एक किताब है। और वो क्या कह रहा है? और वो कहता है तिमुथियुस को कि पौलुस कहता है कि भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा है। हम देखें कि पौलुस कितनी श्योरिटी से इस बात को बोल रहा है कि अभी नहीं लेकिन भविष्य में मेरे लिए किस चीज का मुकुट? धर्म का मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं, पौलुस कह रहा है सिर्फ मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा रिवॉर्ड है, ये हमारा मुकुट है, ये हमारा प्राइज है। तो सबसे पहले जब मैं इस वचन को आपके बीच में दे रही हूं, तो सबसे पहले इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर हम सबों को एक मुकुट देना चाहता है। लेकिन उस मुकुट को हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमने जान तो लिया कि परमेश्वर ने हमारे लिए मुकुट रखा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसके लिए हमें कार्य करना है। और हमें क्या कार्य क्या करना है? हम निकालेंगे दूसरा तिमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी 6 और 7 वर्स है।
जो ऐसा लिखा गया है यहाँ पे, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। पौलुस ने बहुत विश्वास योग्यता से परमेश्वर की सेवा की और अब ये जान रहा है कि अब इसके मृत्यु का दिन निकट है, लेकिन जो चीज उसने की वो इसी चीज को अपने उत्तरदायित्व को इस तिमोथियुस को बता रहा है कि अब मेरे मरने का समय निकट है, अब मेरा वो मृत्यु का दिन आ चुका है, लेकिन अब क्या करना है। आगे कहता है सातवें पद में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। प्रेज द लॉर्ड। ये तीन बातें पौलुस तिमोथियुस को कह रहा है, फिर से सुनिएगा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। प्रेज द लॉर्ड कहता है। और ये जितनी बातें हमने, ये तीन पॉइंट सुने आज, इन तीन ही कार्य के बारे में आज हम परमेश्वर के वचन से, हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम सीखने जा रहे हैं। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, यानी विश्वास की कुश्ती। ये वो कुश्ती नहीं है जो हम आपस में लड़ते हैं, जो रेसलर लड़ते हैं, जो ओलंपिक्स में होते हैं, जो अपने अपने स्टेट में होते हैं, ये उस कुश्ती की बात नहीं है, ये है विश्वास की कुश्ती। आगे कहता है मैंने अपनी दौड़, ये है विश्वास की दौड़। और आगे कहता है विश्वास की रखवाली। प्रेज द लॉर्ड। और जब मैं इसको स्टडी कर रही थी तो परमेश्वर ने मुझे तीन बातों को बताया कि तुम्हें, हम लोगों को तीन चीज को पूरा करना है। पहला, बी अ फाइटर, बी अ रेसर, एंड बी अ कीपर और प्रोटेक्टर और गार्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये तीन चीजें हमें करनी है, हमें फाइटर होना, हमें फाइट करना है, हमें रेस लगानी है और हमें प्रोटेक्ट करना है। और हम धीरे धीरे इस बात को हम लोग देखेंगे। पहला है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। क्या कुश्ती अच्छी होती है? जब हम कुश्ती को, रेसलर लोग जब लड़ते हैं तो देखिए उसमें एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन पौलुस कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। हम कैसे अच्छी कुश्ती को लड़ सकते हैं? हम इसे परमेश्वर के वचन से देखेंगे। उसमें लिखा है पहला तिमोथियुस उसका 6 अध्याय और उसका 12 पद हम लोग यहाँ देखेंगे। पहला तिमोथियुस उसका 6वां अध्याय और उसके 12 पद में लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। ये बात पौलुस तिमोथियुस को बोल रहा है, लेकिन आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझसे और आपसे बातचीत कर रहा है। क्या बातचीत कर रहा है? कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। जैसे पौलुस ने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी, हमें भी विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ना है और उस अनंत जीवन को धर ले। हम सभी कोई अनंत जीवन को पाना चाहते हैं, लेकिन अनंत जीवन को हम कैसे प्राप्त करेंगे? जब तक हम विश्वास की अच्छी कुश्ती को नहीं लड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है कि तू उसके लिए बुलाया गया है। हम सभी कोई उस चीज के लिए बुलाए गए हैं। अपनी बुलावट को जाने कि परमेश्वर ने हमें विश्वास के लिए, विश्वास के द्वारा, आज हम सबको जितने यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आज हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। हम लोग अपने कामों के द्वारा नहीं है, हम लोग अपनी योग्यता के द्वारा नहीं है, हम लोग अपने स्टेटस के द्वारा नहीं है, हम लोग अपने वंश के द्वारा नहीं है, लेकिन हम लोग विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यही बात पौलुस कहता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। क्या कर ले? धर ले। अधिकतर जब कुश्ती होती है तो उसमें धरने का ही एक दांव होता है ना, कुश्ती में बहुत दांव पेच होते हैं और उसमें धरा जाता है लोगों को। धरने यानी होल्ड, मतलब उसको पकड़ ले। हम अनंत जीवन को तभी धर सकते हैं जब हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमें विश्वास की बहुत अच्छी कुश्ती को लड़ना है। अब सवाल ये होता है कि हम अच्छी कुश्ती को कैसे लड़ें? परमेश्वर के वचन में तो हमने पढ़ लिया कि कुश्ती को लड़, लेकिन हम कैसे लड़ें? दूसरा तिमोथियुस उसका 2वां अध्याय और उसके 5वें पद में लिखा है कि अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। प्रेज द लॉर्ड।
क्या लिखा है, यदि विधि के अनुसार। अगर अखाड़े में लड़ने वाला, आपने देखा होगा जब भी कुश्ती का खेल शुरू होता है तो एक अखाड़ा होता है, आप अखाड़े से बाहर जाके कुश्ती नहीं लड़ सकते हैं, आपको उतना ही बड़ा सर्कल दिया जाता है और आपको उतने में ही अपनी कुश्ती को लड़ना होता है। हर एक पहलवान उस अखाड़े में लड़ता है। ये अखाड़ा क्या है आपको पता है? ये अखाड़ा मेरी और आपकी परिस्थिति है। ये परिस्थिति अच्छी परिस्थिति नहीं है, हो सकता है वो अखाड़ा बीमारी का हो सकता है वो अखाड़ा आपकी शादी का हो सकता है वो अखाड़ा जो बच्चे गलत राह पे चले गए हैं वो अखाड़ा हो सकता है ये अखाड़ा आपकी नौकरी हो। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है, लेकिन हमें उसी अखाड़े में रह के इस कुश्ती को लड़ना है। हम भाग नहीं सकते हैं। अगर हमें उस कुश्ती को जीतना है तो हमें अखाड़े में ही रहकर हमें उसको लड़ना होगा। अखाड़े से बाहर जाने वाला व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाता है। हम कई बार जब भी हमारे सामने कोई विपत्ति आती है हम उसे सोचते हैं कि कैसे कैसे ये विपत्ति निकल जाए। हम कई उपाय ढूंढने लगते हैं, हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि नहीं, तुम उसी अखाड़े में रहो। आप जहां हैं आप वहीं रहिए, आप स्थिर रहिए, परमेश्वर आपको वहीं पे विजय दिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें इन परिस्थितियों से भागना नहीं है, हमें अपनी इन्हीं परिस्थितियों में परमेश्वर पर भरोसा रखना है और हमें लड़ना है। और जो महत्वपूर्ण बात यहाँ लिखी है वो है विधि के अनुसार। व्यवस्था विवरण अगर हम चौथा अध्याय उसकी 14 वर्ष को पढ़ेंगे तो वहां पर वचन में लिखा है, जो मूसा कहता है कि मुझको यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम सिखाने की आज्ञा दी, इसलिए कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो उसमें तुम उनको मानो। प्रेज द लॉर्ड। ये तो कनान देश जाने के लिए उन विधियों और उन आज्ञाओं को मान रहे थे, उन 10 आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इसराइलियों को दी थी। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम उन्हें विधियों को मानो। अगर हम विधि को नहीं मानेंगे तो हम भी परमेश्वर के उस राज्य को, जिस अनंत जीवन की बात हम कर रहे थे, हम उस अनंत जीवन में नहीं जा सकते हैं। हमें विधि के अनुसार लड़ना है, हमें सिर्फ ऐसे ही नहीं लड़ना है, हमें विधि के अनुसार। हर एक पहलवान को, हर एक खिलाड़ी को विधि बताई जाती है, उसको नियम बताए जाते हैं। अगर वो उस नियम को फॉलो नहीं करेगा तो उसको लड़ाई का भी मौका नहीं दिया जाएगा, उसको पहले उस खेल से निकाल दिया जाएगा। अगर हम इस लड़ाई में कूद चुके हैं, अगर हम इस अखाड़े में आ चुके हैं, तो हमें विधि का पालन करना है। प्रेज द लॉर्ड। और ये विधि क्या है? ये विधि है परमेश्वर का वचन। इसमें सारी विधि और सारी आज्ञाएं हमारे लिए लिखी हैं। परमेश्वर कहता है कि तुम इन विधियों को मानो, इन आज्ञाओं को मानो, तभी तुम उस देश में जाओगे। फॉलो द रूल्स। हमें रूल्स को फॉलो करना है, हमें विधियों को फॉलो करना है। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद यहां हमने देखा विधि का पालन करें। सेकंड क्या होता है? सेकंड हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 9 और उसका 25 पद। यहां लिखा है, और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं, लेकिन वो मुकुट तो कभी मुरझाएगा नहीं, लेकिन उस मुकुट को प्राप्त करने के लिए जैसे पहलवान हर प्रकार का संयम करता है। हम तो रेसलर नहीं है इसलिए हम ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन हम एक कॉमनली हम इस बात को जान सकते हैं कि उसे बहुत सारी चीजों को से परहेज करना होता होगा, उसको अपने खाने पे ध्यान देना होता होगा, उसको एक्सरसाइज वगैरह करता होगा, बहुत कुछ को फॉलो करता होगा, उसे संयम करना होता होगा। अगर उसको कुछ खाने का भी मन करता तो उसको इस चीज पे कंट्रोल करना होता होगा। तो जबकि सारी चीजें एक पहलवान एक छोटे से मुकुट को पाने के लिए जो मुरझा जाएगा, जब वो उसके लिए उतना संयम कर सकता है, तो हमें कितना संयम करना है? पवित्र आत्मा के 9 फलों में हमें संयम के बारे में बताया गया है। हमें संयम करना है, हमें भी बहुत चीजों से परहेज करना है। जो चीजें हमारे इस लड़ाई में परमेश्वर नहीं चाहता कि अगर वो चीजें हमारे जीवन में आएंगी तो हम अपने संयम को खो देंगे, हमें भी संयम करना है। बहुत सी ऐसी चीज जो हमें रोकती हैं, हमें सेल्फ कंट्रोल को अपने जीवन में लाना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम इन सारी बातों को लाएंगे तो हम परमेश्वर निश्चय उस मुकुट से हम दूर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये हम विश्वास करें। संयम हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। संयम किन किन बातों का रख सकते हैं? जो वो बुरी बातें हैं, जो वो गलत बातें हैं, जो परमेश्वर की नजरों में सही नहीं है, जो हमें अच्छी लगती है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड, ये सारे क्या हैं?
ये सारे हमारे संयम को हम वो बिगाड़ सकते हैं, लेकिन हमें अपने संयम को बनाना है। आगे परमेश्वर के वचन में अगर हम 27 पद को पढ़ें तो पौलुस कहता है, परंतु मैं तो अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पौलुस कहता है, मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूं। आप सोचिए, अपनी देह को मारना और कूटना, कूटना का शब्द समझते हैं, कूटना यानी एकदम उसको आप मसल दें, मतलब आपको जो कुछ भी मन करता है, आपको परमेश्वर ने अगर उस चीज के लिए हमें मना किया तो हमें नहीं करना, अपनी सारी चीजों को हमें दूर कर देना है। अपनी देह को हम अपनी देह पे कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपनी जीभ पे कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपनी आंखों पे कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने मुंह पे, हम अपने हाथों पैरों पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पौलुस कहता है कि मैं देह को मारता और कूटता हूं। आज अगर हम अपनी देह को मारेंगे कूटेंगे नहीं तो हम पर उस मुकुट को नहीं पा सकते हैं। लिखा है परमेश्वर के वचन में कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है, लेकिन ये भी लिखा है कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। प्रेज द लॉर्ड, जब हम निर्बल होंगे तो हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा काम करेगी, हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी। आप निर्बल होने दीजिए अपने आप को। मैं भी अपने आप को, मैं चाहती हूं कि जिन कार्य के लिए परमेश्वर मना करता है उसमें हम निर्बल हो जाएं। वो चीजें जिसमें हमें लगता है कि नहीं ये परमेश्वर के अनुसार है, हम उस चीज को ना करें, लेकिन आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको अपने बल से भर देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अगर हम पद 26 में पढ़े तो यहां पर लिखा है कि इसलिए मैं तो इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं। किससे लड़ता हूं? मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है। क्या हम कोई ऐसी लड़ाई जीत सकते हैं जहां सिर्फ हवा हो और हमें लड़ना हो? नहीं, हमारे सामने कुछ होता है जिसे हमें लड़ाई करनी होती है। आज हमारे सामने क्या क्या है, हमें किन चीजों से, हम सिर्फ ये बोले नहीं कि हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास की कुश्ती लड़ रहे हैं, हमें उन चीजों से लड़ना है जो हमें परेशान करती है, जो हमें बार बार परीक्षाओं में गिरा देती है। हमें उन चीजों से लड़ाई करनी है, उन चीजों को अपनी चीजों से दूर करना है। यहां तो हमने देखी कुश्ती के बारे में, लेकिन आपको पता है परमेश्वर हमें एक एक लेवल ऊपर लेके जाता है। अब तो हमने कुश्ती, अब हम देखते हैं लड़ाई, विश्वास की लड़ाई। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला तिमोथियुस उसका पहला अध्याय और उसकी 18 और 19 पद में पौलुस कहता है, मैं आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। अभी हमने देखा अच्छी कुश्ती, अब हम देखते हैं अच्छी लड़ाई। आप देखिए, हर वक्त परमेश्वर का वचन कह रहे अच्छा, बुरा नहीं, अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। प्रेज द लॉर्ड, यहां लिखा है मैं तुझे आज्ञा सौंपता हूं। जब आप किसी चीज को कुछ सौंपते हैं तो इसका मतलब है वैल्यू होती है। हम ये नहीं कहते हमने आज्ञा दे दी, हम तो बहुत कुछ आज्ञा दे देते हैं। देना और सौंपना में बहुत अंतर है। जब हम किसी चीज को सौंपते हैं, हम कहते हैं ना, हम अपनी अमानत आपको सौंपते हैं, कभी कभी बोलते हैं सौंपते हैं, उस चीज में कोई वैल्यू होती है। और परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे लिए वैल्यूबल है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है कि मैं तुझे आज्ञा सौंपता हूं। ये मेरे लिए और आपके लिए कि हमें आज्ञा सौंपी गई है कि अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। मुझे भी और आपको एक अच्छी लड़ाई को लड़ना है। और देखिए, बहुत अच्छी बात लिखी है, विश्वास और उस अच्छे विवेक को। प्रेज द लॉर्ड, विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। हमें विवेक को थामना है। अभी विवेक क्या है, मैं भी नहीं समझ पा रही थी, परमेश्वर ये विवेक क्या है, हमारी बुद्धि है क्या है, लेकिन जब मैं स्टडी कर रही थी तो विवेक के बारे में बताया गया है, हमारी बुद्धि का वो पार्ट जो हमें सही और गलत, उचित और अनुचित, भला और बुरा करने का दिशा की दिशा देती है, वो है विवेक। हम कई बार, बुद्धि तो हम सबों के पास होती है, लेकिन अच्छा विवेक सबके पास नहीं होता है। और अच्छा विवेक आपके पास तभी होगा जब आपके पास परमेश्वर की आत्मा होगी। जब मेरे पास परमेश्वर की आत्मा होगी तभी हम सही गलत भले बुरे में अच्छी रीति से पहचान कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हमें उस अच्छे विवेक को, हालेलुया। अच्छा विवेक उसे कहते हैं, एक डेफिनेशन में देना चाहूंगी, विवेक उसे कहते हैं जो किसी भी परिस्थिति में कैसी प्रतिक्रिया दे यह तय करने की बुद्धि है, और उचित अनुचित सही गलत। विवेक के अभाव में हम सही दिशा का चयन नहीं कर सकते,
और हमें इसका प्रयोग विश्वास के उपयोग में लाना चाहिए। हम कई बार जब हम विश्वास करते हैं तो हम कई बार अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, हाँ परमेश्वर ऐसे तो लिखा है, लेकिन आप सोचिए हमें अच्छे विवेक का पालन करना है। विवेक के बारे में परमेश्वर का वचन नीति वचन उसका 5वां अध्याय और उसके 12 पद में बताता है कि हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे जिस और मेरी समझ की ओर कान लगा जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे। विवेक सुरक्षित, इसका मतलब समझिए कि विवेक भी सुरक्षित नहीं होता है। हमें अपने विवेक को सुरक्षित रखना है, हमें अपने विवेक को संभाल के रखना है। और आगे लिखा है नीति वचन 3वां अध्याय उसके 21 पद में लिखा है कि हे मेरे पुत्र ये बातें तेरी दृष्टि की ओट ना होने पाए, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। मेरा और आपका उत्तरदायित्व बनता है कि हम सभी कोई हमारा विवेक जो अच्छा विवेक है उसकी हम रक्षा करें। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कहता है कि मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। क्या कहता है? सच्चे विवेक से। यहाँ हम अच्छे विवेक के बारे पढ़ रहे थे, पौलुस कहता है कि मैंने सच्चे विवेक से, आज मुझे और आपको भी परमेश्वर के लिए सच्चे विवेक से जीवन को बिताना है। क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में सोचना है, एकदम से स्टेप नहीं बढ़ाना है, है ना? क्योंकि हमें पता है कि शैतान हमें कई बातों से गुमराह कर सकता है। हमें विश्वास इस विवेक की रक्षा को करना है, हमें अपने विवेक को दोषी नहीं होने देना है। पौलुस कहता है कि मेरा की परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। हम कई बार बोलते हैं अरे परमेश्वर जानता है कि क्या सही है, परमेश्वर जानता है, नहीं। लेकिन पौलुस कहता है कि मेरा विवेक परमेश्वर और मनुष्य दोनों की ओर सदा निर्दोष रहे। प्रेज द लॉर्ड। और ये तभी हो सकता है जब हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर का विवेक और अच्छा विवेक कार्य करता हो। प्रेज द लॉर्ड। अब हमने देखा इस लड़ाई को हमें कैसे करना है, और यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लिखी थी कि जिसे दूर करने के कारण, किसको दूर करने के कारण, उस विवेक को नहीं थाम पाने के कारण, उस अच्छे विवेक और विश्वास को नहीं थाम पाने के कारण लिखा है कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। क्या है? विश्वास रूपी जहाज। अगर हम जहाज की कल्पना करें तो क्या जहाज छोटा चीज, छोटी चीज होती है? हम नाव को छोटी बोल सकते हैं, हम किसी स्टीमर को छोटा बोल सकते हैं। लिखा है विश्वास रूपी जहाज, इसका मतलब समझ जाइए अच्छे से अच्छे विश्वासी लोग का भी जहाज रूपी विश्वास डूब जाएगा उस समुद्र में अगर हम किस चीज को नहीं थामेंगे, अगर हम उस अच्छे विवेक को नहीं थामेंगे। क्या सही है क्या गलत है, जब तक हम परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर इस बात का निर्धारण नहीं करेंगे हमारा भी विश्वास रूपी जहाज डूब जाएगा। परमेश्वर का वचन तो कहता है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, यहां देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। प्रेज द लॉर्ड। हमें अपने इस विश्वास रूपी जो जहाज को लेके हम चल रहे हैं, जहाज क्या काम करता है? एक जगह से दूसरी जगह किसी सामान को, मनुष्य को लेकर जाने का काम करता है। ये विश्वास भी हमारे लिए इस मसीही जीवन में कार्य करता है। यही जहाज, विश्वास रूपी जहाज ही हमें परमेश्वर की ओर लेके जाएगा, हमें इसको डूबने नहीं देना है। प्रेज द लॉर्ड। और आगे हम पढ़ते हैं जब हमने देखा लड़ाई के बारे में, अब हम तो पहलवान के बारे में भी हम सुन रहे थे, लेकिन 2 तीमुथियुस उसका 2वां अध्याय उसके 35 पद में लिखा है मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान। अब परमेश्वर आपको योद्धा बना देता है, जब आप इतने स्टेज तक आ जाते हैं तो परमेश्वर आपको योद्धा बना देता है। क्या योद्धा छोटी चीज होती है? नहीं, योद्धा लड़ाई करने वाला होता है, युद्ध में जाता है। और कहता है कि जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए नहीं कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता है। हमें इसमें भर्ती किसने किया है? हमें इसमें भर्ती प्रभु यीशु मसीह ने किया है। और लिखा है कि वो संसार के कामों में अपने आप को नहीं फंसाता, लेकिन हम कई बार खुद ब खुद संसार के कामों में फंस के रह जाते हैं। हमें अपने इस संसार में फंस के नहीं रहना है, लेकिन मसीह यीशु के समान लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान दुख उठा। हमको दुख से भागना नहीं है, जब तक दुख नहीं उठाएंगे तब तक हम अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। बीमारी आ रही है, दुख उठाइए, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करिए। आपके जीवन में निराशाएं आ रही हैं, ये दुख है, दुख उठाइए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, विश्वास करिए, अपने जहाज को धीरे धीरे परमेश्वर की ओर लेके जाइए। हम दुख उठाकर ही, पर लिखा है परमेश्वर के वचन भी तुम्हें बहुत दुख उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। और हम सोचते हैं हमारा दुख खत्म हो जाए, हमारा दुख खत्म हो जाए। हम क्यों बोलते हैं हमारा दुख खत्म हो जाए? जब तक हम दुख से होकर नहीं जाएंगे हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते हैं, हमारे विश्वास की पहचान कैसे होगी? प्रेज द लॉर्ड। अब हमने देखा कई विश्वास की अच्छी कुश्ती, विश्वास की
अच्छा योद्धा विश्वास की लड़ाई, अब हम देखते हैं विश्वास की दौड़। और आप में से बहुत लोग इस से बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जानते होंगे कि विश्वास की दौड़, कई प्रचार भी आपने सुनेंगे सुना होगा। इब्रानियों में 12 उसका पहला पद में लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है तो आओ हम परमेश्वर तो हम धीरज से दौड़े। दौड़ में भी नियम होते हैं, जिस तरह हमने कुश्ती और लड़ाई में देखा वैसे दौड़ में हमें धीरज को धरना अवश्य है। प्रेज द लॉर्ड, जब तक हम धीरज नहीं होगा हमारे अंदर हम उस दौड़ को पूरी नहीं कर सकते। और लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 9 और उसका 24 में, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब है लेकिन इनाम एक लेके जाता है, ऐसे दौड़ो कि जीतो। हमें ऐसे दौड़ना है कि जीतो। जब हम दौड़ते हैं, आपने मैराथन देखी होगी, मैराथन में ये नहीं होता है कि जो पहले जाएगा, उसमें ये होता है कि जो जितनी लंबी दूरी और पूरी दूरी तय करेगा उसको इनाम मिलेगा। मुझे भी आपको एक दूसरे को हरा के नहीं जीतना है, ये उस दौड़ की तरह नहीं है, लेकिन हमें एक दूसरे को साथ लेके परमेश्वर के राज्य में जाना है और ऐसे दौड़ना है कि हम जीते। लेकिन कई बार हम दौड़ को नहीं जीत पाते, क्यों? क्योंकि अक्सर हम बेठिकाने दौड़ते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 9 और उसके 26 में कि इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु बेठिकाने नहीं, इधर उधर मत दौड़िए। अगर आप ट्रैक से दूर जाएंगे तो आप डिस्क्वालिफाइड होंगे। हमें अपने ट्रैक में दौड़ना है, बेठिकाने नहीं दौड़ना है। हमें वो दौड़ जो परमेश्वर ने हमें हमारे लेन के लिए बनाई है, हमें जिस लेन में जाना है हम उसी लेन में, हमें परमेश्वर ने हम सब के लिए एक ट्रैक बनाया है, हमें उसी ट्रैक में होकर जाना है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार होता है कि हम रुक जाते हैं, लेकिन गलातियों में लिखा है कि पौलुस कहता है कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया कि तुम सत्य को ना मानो? ये चीजें क्या है, हमें लोग रोकने आएंगे, हमें कई अभिलाषाएं, हमें संसार की बातें हमें रोकने आएंगे। लिखा है तुम भली भांति दौड़ रहे थे, हम हो सकता है बहुत अच्छी रीति से दौड़ रहे हैं लेकिन रोकने के लिए आपने हर्डल रेस देखी होगी। हर्डल रेस ये होती है कि आप जब आप दौड़ रहे होते हैं आपकी जब स्पीड बहुत अच्छी होने लगती है आपके बीच में हर्डल्स को रख दिया जाता है ताकि आप उसको पार करें, है ना। हमारी भी लड़ाई ऐसी है, हमें हर्डल्स को पार करना है, हमें उन रुकावटों को पार करते हुए कूदते हुए फांदते हुए और पूरी हमें उस दौड़ तक, हमें अपनी उस मंजिल तक जो लक्ष्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है हमें उस तक पहुंचना है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें क्या करना है दौड़ में, धीरज से दौड़ना है, हमें बेठिकाने नहीं दौड़ना है, हमें रुकना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अब आगे हम देखेंगे विश्वास की रखवाली। दौड़ और लड़ाई को तो हमने बहुत बार पढ़ा भी है लेकिन विश्वास की रखवाली क्या है? रखवाली किस चीज की करते हैं? रखवाली उस चीज के लिए करते हैं जो चीज बहुत बहुमूल्य होती है। प्रेज द लॉर्ड। हम सभी कोई जितने लोग फ्लैट्स अपार्टमेंट में रहते हैं आपने देखा होगा एक गार्ड को रखा जाता है, क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है, कोई भी चीज अगर ऐसी आएगी वो तुरंत कॉल करेगा, वो प्रोटेक्ट करता है कि किसी अनजाने व्यक्ति को वो घुसने नहीं देता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हें विश्वास की रखवाली, इसका मतलब सोचिए कि विश्वास कितना बहुमूल्य है और विश्वास भी चुराया जा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारा घर छोटा है और हमारे घर में ज्यादा सामान नहीं है तो हमें अपने घर की चिंता नहीं होगी क्योंकि हमें पता है कि हमारा क्या लेके कोई जाएगा। लेकिन जब आपके घर में बेशकीमती बहुमूल्य चीजें होती हैं तो आप अपने घर के चारों तरफ ये सोचते हैं, कैमरा को लगाएं, लॉक अच्छे से लगाएं, कोई चोर ना आने पाए। हमें और आपको भी परमेश्वर ने विश्वास दिया है, रखवाली कीजिए। मुझे भी रखवाली करना है, हम सबको रखवाली करना है। विश्वास की रखवाली कीजिए। और पता है इसको कौन चुराने आता है? इसको शैतान चुराने आता है क्योंकि उसको पता है अगर वो हमारे विश्वास को चुरा लेगा तो हम परमेश्वर के नजदीक नहीं जा पाएंगे। हम धर्म के कामों से नहीं लेकिन हम विश्वास से धर्मी ठहरते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम रखवाली बहुत सी चीजों करते हैं, आपने धरोहर को देखा होगा, हेरिटेज को आपने देखा होगा, ताजमहल, सिक्योरिटीज रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि कोई दूसरी चीज उसको नुकसान ना पहुंचाए। जब लोग संसारिक चीजों के लिए इतनी रखवाली करते हैं हम और आप अपने विश्वास को क्यों इतना छोटा समझते हैं? हमारे अंदर प्रभु ने जितना भी विश्वास दिया है उसे हमें धीरे धीरे करके परमेश्वर के लिए बढ़ाना है और उसको रखवाली करना है। जैसे ही आए, जैसे हमें लगे परमेश्वर अब नहीं हो सकता है, इस बीमारी में अब मैं ज्यादा दिन नहीं रह सकती हूं, अब मुझसे दुख दर्द नहीं बर्दाश्त होता, अब ये निराशा नहीं होती, अब मेरे में जो जितनी गलत बातें हैं परमेश्वर अब मैं हार मानता हूं। जब आप हार मानने लगे ये आपके विश्वास को शैतान कमजोर करता है। लेकिन हमें इस विश्वास की रखवाली करना है, उसे प्रोटेक्ट कर लीजिए, उसे आप संभाल के रखिए क्योंकि यही चुराने के लिए शैतान हमारे पास आता है। दूसरा तिमोथियुस का पहला और उसका 13 और 14 पद में लिखा है जो खरी बातें
तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बना के रख। क्या कहता है? मसीह यीशु में अपना आदर्श बना के हमें रखना है। किन बातों को? खरी बातों को और उन विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है। हमें कुछ बातों को आदर्श बना के रखना है। और 14 पद में यहां लिखा है, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, प्रेज द लॉर्ड, पवित्र आत्मा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। प्रेज द लॉर्ड, हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा के द्वारा इस अच्छे विश्वास की रखवाली करनी है। परमेश्वर का आत्मा ही है जो हमारे इस विश्वास की रक्षा करता है। कई बार जब हमारा विश्वास कमजोर होने लगता है, लेकिन अगर हमें भरोसा है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, तो पवित्र आत्मा का ये कार्य हो जाता है कि वो हमारे विश्वास की रखवाली करे। प्रेज द लॉर्ड, ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी है। अपने विश्वास की रखवाली आपको स्वयं करनी है, अपने विश्वास की रखवाली हमें स्वयं करनी है। दूसरा तिमोथियुस उसका पहला अध्याय और 12 पद में लिखा है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं। प्रेज द लॉर्ड, मैं दुखों को भी उठाता हूं लजाता नहीं। आप सभी को जानते हैं कि पौलुस ने कितने दुख को उठाए। क्या उनमें से एक भी दुख हम पे पड़ा है? क्या हम कभी जंगल में रहे हैं? क्या हमें भूखे पेट रहना पड़ा है? क्या हम जाड़े में उघाड़े रहे? क्या हमें वन पशुओं के साथ रहना पड़ा है? क्या हमें कोड़े पड़े हैं? क्या हम जेल गए हैं? हम नहीं गए, फिर भी पौलुस कहता है कि मैं इन दुखों को उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि जिस पर मैंने विश्वास रखा है। प्रेज द लॉर्ड, जिस पर मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखा है। और कहता है कि जिस पर मैंने विश्वास रखा है, जानता हूं, श्योरिटी है इस बात की कि मैं जानता हूं और मुझे निश्चय है। प्रेज द लॉर्ड, कितनी अच्छी बात कहता है ना कि पौलुस की, मैं जानता हूं और मुझे निश्चय है। हम निश्चय नहीं कर पाते, लेकिन पौलुस कहता है कि मैं जानता भी और मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर कि उस दिन तक रखवाली कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, जब हम परमेश्वर के लिए दुखों को उठाते हैं, जब हम अपनी दुख की परिस्थितियों में परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, कैसी भी बातें क्यों ना आए, अभी कोविड के सिचुएशन अभी चल रहे हैं, हम महामारी हो रही है, आप देखिए देश पे देश आक्रमण कर रहे हैं, तृतीय विश्व युद्ध के लिए लोग बोल रहे हैं कि उसके होने का आगाज होने पर है, कई बातों को हम भौगोलिक रूप में देख रहे हैं, कई सारी बातें हो रही हैं, लेकिन हम हमेशा ये ना कहें कि प्रार्थना करिए प्रार्थना करिए। नहीं, हमें परमेश्वर ने कहा इन बातों का होना अवश्य है, और जब ये बातें हो तो तुम जान लेना कि तुम्हारा छुटकारा निकट है। इन सारी जब अंत की बातों को देखो तो और विश्वास में मजबूत हो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रेज द लॉर्ड, हर चीज के लिए हमें इन बातों के लिए नहीं प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमारे प्राण को बचा ले, हमें इस बात के लिए तैयारी करनी है क्या आज अगर हमसे हमारा प्राण ले लिया जाए तो क्या हम परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हैं। और वो तैयार हम तब होंगे जब हम इन कुश्तियों को, जब हम इन लड़ाइयों को, हम जब इन दौड़ को, जब हम इस धरोहर को संभाल के रखे रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, और आगे लिखा है कि परमेश्वर मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली, किस दिन तक? जब तक मृत्यु ना आए परमेश्वर रखवाली कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, जब हम परमेश्वर के लिए दुखों को उठाते हैं तो परमेश्वर हमारे इस विश्वास रूपी धरोहर की रखवाली करता है। प्रेज द लॉर्ड, जब हम दुखों को उठाकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो हमारा गार्ड परमेश्वर बन जाता है, हमारा प्रोटेक्टर परमेश्वर बन जाता है। और तब चाहे शैतान कितनी भी नकारात्मक बातों को हमारे जीवन में लेकर आए, बुरी बातों को लेकर कराए, निराशा की बातों को लेकर आए, परमेश्वर हमारे विश्वास की रक्षा स्वयं करता है। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने विश्वास को सहेज के रखना है। जब हम अपने घरों में सोते हैं तो हम क्यों ताला लगा के निश्चिंत हो जाते हैं? वो इसलिए कि जब हम प्रार्थना करके सोते हैं कि परमेश्वर घर में हमने सिक्योरिटी रखी, लेकिन हमें पता है कि परमेश्वर आपके दूत हमारे घर की रक्षा कर रहे हैं, वैसे ही हमें अपने विश्वास की भी रखवाली को करना है। प्रेज द लॉर्ड, पहला तिमोथियुस उसका 6वां अध्याय और उसके 20 और 21 पद में लिखा है कि तिमोथियुस को पौलुस फिर से कहता है कि इस धरोहर की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, यहां लिखा है कितने लोग विश्वास से भटक गए हैं, और भटकने का कारण क्या था? कि वो अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों में। परमेश्वर के वचन में लिखा है अंत में ऐसे ऐसे लोग आएंगे जब हमें लगेगा कि नहीं, ये परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की ओर से है, लेकिन हमें कई बार हम लोग फूलिश टॉक्स करते हैं ना, कई बार हम लोग मजाक मजाक में भी कई
अशुभ बातों को करते हैं। हमें इन सब बातों को नहीं करना, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग, हेलका तुम्हारे मुंह से वही सुना जाए जो सबके लिए उन्नति का कारण हो। हम कई बार मजाक कर लेते हैं, कई बार गॉसिप कर लेते हैं, कई बार हम लोग परमेश्वर के वचनों को भी मखौल उड़ा देते हैं, लेकिन हमें अपने मुंह और जीभ के प्रति सचेत होना है। लिखा है कि कितने लोग अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से हमें परे रहना है। जहां पे परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्र है, हमें विरोध की बातों पे ध्यान नहीं लगाना। अरे आप देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, हमें परमेश्वर के वचन से ढूंढ ढूंढ के पढ़ना है। क्या परमेश्वर जो बातें मैं सुन रही, क्या वो परमेश्वर के वचन में लिखा है? क्या वो परमेश्वर उस बात को प्रमाणित करता है? कई बार हम लोग और इस बात को हम लोग पता है क्या समझ लेते हैं, हम बहुत ज्ञानवान हैं, अरे हमें परमेश्वर का ज्ञान है, अरे परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि इस अनबातों से दूर रहे, क्योंकि कितने लोग इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। हम जितने भी ज्ञानवान हो ले, हम जितना भी हो ले, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमें बताता है कि हमें परमेश्वर के वचन को किस तरीके से हमें परमेश्वर के राहों पर चलना है। यहाँ लिखा है प्रोटेक्ट एंड अवॉइड द फूलिश टॉक एंड कंफ्लिक्टिंग आइडियाज व्हाट इज फॉल्सली कॉल्ड नॉलेज। हम लोग जिसको नॉलेज कहते हैं, हम लोग जिसको ज्ञान कहते हैं, ये ज्ञान की बातें हैं ही नहीं। शैतान हमें इन्हीं ज्ञान की उल जुलूल बातों में बिल्कुल हमें भरवा देता है और हम वचन से भटक जाते हैं। लेकिन हमें वचन को खोल के पढ़ना है, हमें वचन में देखना है कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज परमेश्वर ने हमें इस बात, इस कार्य को दिया है। इस कार्य को याद रखें कि परमेश्वर ने हमें तीन कार्य दिए हैं कि विश्वास की अच्छी कुश्ती और लड़ाई को लड़ें, विश्वास की अच्छी दौड़ को पूरी करें और विश्वास की रखवाली करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की वचन में लिखा है कि इफिसियों में कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रेज द लॉर्ड, हमें किस में बलवंत बनना है? प्रभु में और उसकी शक्ति के अभाव में। और परमेश्वर के हथियार बांध लो क्योंकि कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्या परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम शैतान के साथ युद्ध करो? नहीं, परमेश्वर का वचन सिंपली इस बात को कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो और तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहो। अगर हमारे पास हथियार है तो हमें भरोसा है कि अरे शैतान अगर आक्रमण करेगा अभी तो हमारे पास हथियार है। अभी हथियार को बांधने का समय है। हम जैसे जैसे अभी अंत के समय में आ रहे हैं, हथियारों को बांध लीजिए। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि लिखा है क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और बांस से नहीं है, हम मनुष्यों से नहीं है, लेकिन किससे है? प्रधानों से, अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा हथियार किसी मनुष्य, हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है, ब्लड और फ्लैश से नहीं है, लेकिन किससे है? इन प्रधानों और अधिकारियों से, आकाश की शक्तियों से है। लेकिन हमें क्या करना है? आगे लिखा है, इसलिए फिर से परमेश्वर का वचन कहता है 13 पद में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर का वचन कह रहा है बांध लो, बांध लो, सीधे मैदान में ना कूद जाएं। हमें पहले परमेश्वर के सारे हथियार को अपने पास इकट्ठा करना है ताकि हम बुरे दिन में सामना कर सके। है ना, अक्सर हम सुनते हैं अच्छे दिन आएंगे। नहीं, अब बुरे दिन आने वाले हैं और इन्हीं बुरे दिन के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने हथियार को बांध लो। क्यों? और सब कुछ पूरा, ताकि सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हमें स्थिर रखना है, हमें स्टेबल रहना है। इसलिए अब देखिए किस किस चीज से, यहां मैं सिर्फ थोड़ा सा बताना चाहूंगी। यहां लिखा है इसलिए कैसे परमेश्वर के हथियार, सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल। प्रेज द लॉर्ड, अभी हमने विश्वास की कई बातों को देखा। इन सब के साथ जितने हथियार है उसके साथ एक चीज लेना कभी मत भूलिए, वो है विश्वास की ढाल। और ढाल आपको पता है क्या काम करता है? वो आगे से कोई भी चीज आती है, अगर हम ढाल को सामने रख रहे हैं तो वो उस वो उन चीजों को रोक देता है ढाल। और आगे और लिखा है स्थिर रहो। फिर परमेश्वर का वचन कहता है स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हमें अगर हमारे अंदर विश्वास की ढाल है तो शैतान चाहे जितने भी हथियार, चाहे जितने भी जलते हुए तीर हम पे फेंके, हमारा वो कुछ भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि हम अपने विश्वास की ढाल को अपने सामने रख लेंगे और वो विश्वास की ढाल उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा देगी। और लिखा है और उद्धार का टोप
और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। प्रेज द लॉर्ड। क्या ले लो? आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जब कोई किसी युद्ध में जाता है तो बिना तलवार के नहीं जाता है। हमें भी परमेश्वर का वचन लेकर, हमें इस आत्मा की तलवार को लेकर हमें युद्ध में जाना है और हमारे पास सारे हथियार होने चाहिए। क्या मेरे और आपके पास ये सारे हथियार हैं? क्या मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते? क्या सत्य? क्या हमारे पास धार्मिकता? क्या हम सोचे अपने बारे में कि बुरे दिन का सामना करना तो है, लेकिन क्या हमारे पास हथियार है? हमारे पास तो हथियार ही नहीं है तो हम बांधेंगे कैसे? हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर ये सारे हथियार मेरे पास होने चाहिए। हम सभी कोई परमेश्वर के योद्धा हैं, क्योंकि हमें लड़ना है, हमें शैतान की युक्तियों के सामने खड़े होना है। लड़ने वाला परमेश्वर है। अगर हम सिर्फ खड़े ही रहेंगे तो परमेश्वर हमारे युद्ध को लड़ेगा, परमेश्वर इस लड़ाई को लड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हथियार को बांध लो, बांधने का समय है। हमें मुझे और आपको इन हथियारों को बांध लेना है ताकि हम इन सारे जब ये बुरे दिन, जब हम इन बुरे दिनों का सामना कर रहे हैं, जब बुरी बुरी बातों को अपने घरों में होते हुए देख रहे हैं, जब अपने आसपास, अपने समाज में, अपने देश में देख रहे हैं, तो हमें इन हथियारों को अपने पास रखना है। प्रेज द लॉर्ड। और पता है तभी हम इनाम और पुरस्कार पाएंगे। ये तीन काम, ये तीन बातों को हम हमेशा याद रखें कि विश्वास की अच्छी कुश्ती और लड़ाई को लड़े, विश्वास की दौड़ को पूरी करें। सिर्फ दौड़े नहीं, पूरी करना है, हमें पूरा करना है। जैसे पौलुस कहता है कि मैंने पूरा किया है। और विश्वास की रखवाली करें, हमें अपने विश्वास की रखवाली, अपने अपने विश्वास की हमें रखवाली करना है। इस विश्वास को हमें जाने नहीं देना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने आज इतने सुंदर वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आज मुझसे बातचीत की। मैं परमेश्वर को सारा आदर और सारी महिमा देती हूँ। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि आप सभी कोई इन वचनों से, जो परमेश्वर का वचन है, आप जरूर आशीषित होंगे। हम सब को परमेश्वर बहुत जल्द लेने के लिए आने वाला है। हम तैयार रहें और परमेश्वर के सामने स्थिर रहें, खड़े रहें। परमेश्वर हमारे साथ है और हम हर युद्ध को परमेश्वर की सहायता से हम जीत लेंगे। आइए इस सेशन को, इससे पहले कि हम खत्म करें, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते महान महान पिता परमेश्वर। प्रभु तू महान, सर्वशक्तिमान, सारे आदर के योग्य, सारी सारी महिमा के योग्य तू परमेश्वर है प्रभु। और सारी पृथ्वी और सारे संसार के ऊपर तू ही राजा है। तुझसे ऊंचा कोई ना था, ना कोई है और ना कभी कोई होगा परमेश्वर। प्रभु हम आप पे, हम आपका धन्यवाद देते कि आपने हमें चुना है परमेश्वर, आपने हमें चुना है प्रभु। हम ब्लेस्ड है प्रभु कि आपने हमें चुना है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर आपने अपने वचन के द्वारा हम सभी बच्चों से बातचीत की परमेश्वर। आज आप पुरस्कार लेके, उस मुकुट को लेके परमेश्वर आप तैयार है परमेश्वर। हमें उस मुकुट को पाना है प्रभु। परमेश्वर हमारी आप सहायता करिए प्रभु। हाँ प्रभु, बिना आपकी आत्मा के अगुवाई के प्रभु हम एक कदम भी नहीं चल सकते हैं प्रभु। हमें इस योग्य बनाइए प्रभु कि हम हर चीज को परमेश्वर आपकी सामर्थ्य से प्रभु, आपकी बुद्धि, आपकी शक्ति से प्रभु, आपकी योजना के तहत हम आप में चलने वाले हो सके प्रभु। प्रभु आज पूरे एंटायर लाइव सेशन में आपकी उपस्थिति रही परमेश्वर। मैं ये विश्वास करती प्रभु और अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की प्रभु। आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ भाई के लिए, भाई आशीष के लिए प्रभु, कि आपने प्रभु वो आपके काम को कर रहे प्रभु और भी दृढ़ता और भी सामर्थ्य के साथ आपके कार्य को, जिस रीति से पिता वो पेज के माध्यम से फैला रहे परमेश्वर, आपका वचन दूर दूर तक जाने पाए प्रभु। और प्रभु बहुत से लोग प्रभु आपके नाम पे विश्वास करने वाले हो सके और ये जान सके कि एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है और उसके अलावा कोई नहीं है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं उनकी पूरी टीम को, इस टीम को पिता आप आशीषित कीजिए पिता। और हर एक जन जो आपकी सेवकाई में है प्रभु, हर एक को पिता आशीषित कीजिए। हम एक योद्धा के समान बनाइए प्रभु, ताकि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करके प्रभु आपके नाम की महिमा कर सके प्रभु। हम हर एक बातों में सारा आदर और सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपको देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के महान और जीवित और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने एक आप लोगों के बीच में ये मौका दिया कि मैं वचन को बांट सकूं, और मैं खुद भी बहुत आशीषित हुई परमेश्वर के वचनों से, और विश्वास करती हूँ कि आप भी आशीषित हुए होंगे। आप सभी का इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए परमेश्वर आपको और आशीष दे, और आपको और भी अपनी महिमा के लिए आप सबों को, हम सबों को परमेश्वर बहुतायत से इस्तेमाल करे। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।